हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। इस वीडियो में हम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी कि वैसे तो सभी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, आज के हम इस वीडियो में हम कंपनी लॉ और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कंपनी विधि एवं सचिव अभ्यास के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि मैंने यूनिट 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसको, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छे से देखा करिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको छोड़ के ना आए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटा, अगर वही आ गया एग्ज़ाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से देखें और रिवाइज करें, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो ना छूटे। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। सो दोस्तों, और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और ऐसे ही इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, सपोर्ट करते रहें। अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश रिफर्स टू दी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दी कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स, यानी कि डैश कंपनी के लाभ के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो कंपनी, यानी कि जिसे कंपनी द्वारा अपने अंश शेयरधारकों या फिर अंशधारकों कह सकते हैं के बीच वितरित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिविडेंड, यानी कि लाभांश। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। एंड थर्ड है टैक्स, यानी कि कर। एंड लास्ट है कैपिटल, यानी कि पूंजी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डिविडेंड। लिसनर्स, मैं सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड मेरे हिसाब से मैंने सब वीडियो अपलोड कर दिया है, फिर भी अगर कोई रह गया हो किसी सब्जेक्ट का तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि कंपनी का कौन सा वर्ग लाभांश की घोषणा से संबंधित अधिनियम 2013 का अधिनियम है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 122, नेक्स्ट है सेक्शन 123, थर्ड है सेक्शन 125 एंड लास्ट है सेक्शन 130। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 123, यानी कि इससे ये डील करता है। दोस्तों एक और बात, जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सभी का धन्यवाद, और जितने लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे कि मैंने बताया कि जो भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं वो सब देखें, अच्छे से देखें, ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए, और जितने भी अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए भी आप मेरे को बता सकते हैं कॉमेंट करके, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। और एक और चीज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी, यानी कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे हर एक चीज़ वीडियोस, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, यानी कि जो मिसलेनियस होगा, यानी कि मिसलेनियस का इन द सेंस अर्थ है कि आपके चार यूनिट से क्वेश्चन उसमें मिक्सअप होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, सो आई होप वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो उसको भी देखिएगा ज़रूर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इट शुड बी पे विद इन, यानी कि लाभांश की घोषणा के बाद इसका भुगतान किया जाना चाहिए कितने दिनों में। फर्स्ट ऑप्शन है 14 डेज, यानी 14 दिन। नेक्स्ट है 21 डेज, यानी कि 21 दिन। थर्ड है 30 डेज, यानी कि 30 दिन। एंड लास्ट है 45 डेज, यानी कि 45 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी कि 30 डेज। क्वेश्चन नंबर फोर है डिविडेंड इज यूजली पेड, इसका मतलब है लाभांश आमतौर पर पेड होता है, यानी कि लाभांश का भुगतान सामान्य रूप से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी पर। नेक्स्ट है ऑन यूज्ड कैपिटल, यानी कि उपयोग की गई पूंजी पर। और थर्ड है ऑन पेड अप कैपिटल, यानी कि प्रदत्त पूंजी पर, चुकता पूंजी पर भी कह सकते हैं। और लास्ट है ऑन कैपिटल,
कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि बुलाए गए पूंजी पर, इसका आंसर है यानी कि इसको कह सकते हैं याचित पूंजी पर भी इसको कह सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल को दोस्तों। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑन पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज अ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि डैश वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार एक बैलेंस शीट है, यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार आर्थिक चिट्ठा है। बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स यानी खाता, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण, और थर्ड है रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट को रिपोर्ट ही कहेंगे, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी मेंटेन फॉर, यानी कि प्रत्येक कंपनी के खातों की बही का रख रखाव किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3 ईयर 3 साल, नेक्स्ट है 5 साल, थर्ड है 8 साल, एंड लास्ट है 10 साल। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 8 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कंपनी कैन रीओपन रिकास्ट इट्स बुक्स ऑफ काउंट ऑन एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल मेड बाय, यानी कि एक कंपनी द्वारा किए गए ट्रिब्यूनल को एक आवेदन पर अपने खातों की पुस्तकों को फिर से खोल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रार, नेक्स्ट है मेंबर यानी सदस्य, एंड थर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल, एंड लास्ट है इनकम टैक्स अथॉरिटीज यानी कि आयकर अधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर डैश ईयर्स, यानी कि गैर लाभकारी कंपनियों के मामले में खातों की पुस्तकों को डैश वर्षों तक संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, नेक्स्ट ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6, एंड लास्ट ऑप्शन है 8। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ और हानि खाता, नेक्स्ट है बैलेंस शीट यानी कि आर्थिक चिट्ठा, थर्ड है लेजर अकाउंट यानी कि लेजर खाता बही खाता, एंड लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि नकदी प्रवाह विवरण या रोकड़ प्रवाह विवरण। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है यानी कि लेजर अकाउंट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार किस धारा के तहत कंपनी के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 128, नेक्स्ट है 210, एंड थर्ड है 129, एंड लास्ट है 212। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अ मस्ट बी, यानी कि किसी कंपनी का आंतरिक अंक्षेपक डैश होना चाहिए, यानी कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक डैश होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कि लागत लेखाकार, नेक्स्ट है चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, एंड थर्ड है ICWA, एंड लास्ट है नीड नॉट पजेस एंड एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी भी पेशेवर योग्यता के अधिकारी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एंड की जगह आंट हो गया है, इसीलिए हिंदी में भी ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसको मैं पढ़ दिए देती हूँ, नीड नॉट पजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंग्लिश में है, हिंदी में है किसी भी पेशेवर योग्यता के अधिकारी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नीड नॉट पजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि आंतरिक लेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि आंतरिक अंकेक्षक भी कह सकते हैं, डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, थर्ड नेक्स्ट है शेयर होल्डर यानी कि शेयर धारक, थर्ड है गवर्नमेंट यानी सरकार, एंड लास्ट है स्टेचुरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय। इसका ऑप्शन ए सही है यानी कि मैनेजमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्टेचुरी ऑडिटर डैश ऑल्सो एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि एक वैधानिक लेखा परीक्षक डैश कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में भी, फर्स्ट ऑप्शन है कैन एक्ट यानी कि कार्य कर सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि अधिनियम लागू होता है, एंड नेक्स्ट है कैन नॉट एक्ट यानी कार्य नहीं कर सकता यानी कि अधिनियम लागू नहीं होता है, और थर्ड है दो कैन एक्ट बट एथिकली शुड नॉट एक्ट यानी कि हालांकि कार्य कर सकता है परंतु लेकिन नैतिक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए, लास्ट है नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही है यानी कि कैन नॉट एक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज कंपनी कैन नॉट एक्ट एज अ डैश ऑफ अनदर कंपनी, यानी कि एक निकाय कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी किसी अन्य कंपनी के डैश के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑडिटर यानी श्रवण या फिर इसको अंकेशन भी कहते हैं, नेक्स्ट है प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक या फिर प्रमोटर कह सकते हैं आप, थर्ड है सेक्रेटरी यानी सचिव, एंड लास्ट है क्रेडिटर यानी लेनदार, इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ऑडिटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ई फाइलिंग प्रोसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ई फाइलिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण है, फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट ई फॉर्म यानी कि संपूर्ण ई फॉर्म पूरा ई फॉर्म, नेक्स्ट है डाउनलोड ई फॉर्म यानी कि ई फॉर्म डाउनलोड करें या फिर डाउनलोड ई फॉर्म कह सकते हैं, नेक्स्ट है सबमिट ई फॉर्म यानी कि ई फॉर्म जमा करें, एंड थर्ड है लास्ट है मेक पेमेंट यानी कि भुगतान करना या करें, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डाउनलोड ई फॉर्म। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।